जी अज जिथे पूरे देश के तिरंगा लहराया जा रहा है देखो गल असी अगे भी खंडा चौंक दे विच अपने प्रोग्राम करी दस पर अज जिहड़ा उन्होंने किया इत्थे लिया के उन्होंने तीन दिन तो झंडे जिहड़े हैगे ने तिरंगे लहराने चालू करते स्कूलों के साडे बच्चे नूं इह गल कहती कि भाई तुसीं तिरंगे जिहड़े ने ये अपने घरां दे उपर जाके लाओ की ये उन्होंने शोभा देती है। गल है कि भुल गया अमित शाह भी तो अपने मोदी साहब भी उन्होंने पहला तो मोदी साहब जो चीफ मिनिस्टर सन इन्होंने 60,000 सिख जोड़े साढ़े वो गुजरात तो उजाड़े असी बर्दाश्त करके अज जो ने आके सा इस चीज़ में हथ पाया कि सारे कहता भाई सारी जगह के उपर तुम पंजाब के उन्होंने की मतलब ये गल कर बाकी मुल्क थोड़ा उन्होंने पर वो हर चीज़ में जान जान के सिखों कि छेड़ते हैं कि भाई किसी तरीके ये अपने तो आप तो बाहर हो पर नहीं साडे सबर का परमात्मा ने बड़ा बल बख्शे होया पर जी उन्होंने कुछ ही चाल चल रहे साडे बच्चों तक आ गए ये गल कहती है भाई तुम तिरंगे ले जाके अपने घर के उपर लहराओ है जी तो मोदी कि खट्टर साहब ने कहता गुरुद्वारे के असी तिरंगे लहरावे वो जरूरत है वो खट्टर की क्यों गुरुद्वारे तिरंगे लहराएगा गुरुद्वारे जड़े हैं वो सिर्फ सांझी गुरु घर है वो कितने कल्ले सिखां दा नहीं हो उत्थे तां रोटी रोजी का बच्चों का पूरे मुल्क का जिथे कितने कोई नहीं पहुँचता उत्थे वो पहुँच रहे हैं उत्थे निशान साहब के नाल बराबर हो तिरंगा लहरा दे असी ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे असी ये सिर्फ मैं हिंदू वीरां नूं पंजाब दे विच बेनती करना चाहुंदा कि तुसीं उत्साह ना होवो क्योंकि पंजाब जिहड़ा तुहाडा साडा मुसलमानां दा ईसाइयां दा सारयां दा सांझा पंजाब है अगर वह तुहानूं इह गुलार रहे उन्हां दा कोई नहीं जाणा नुकसान जिहड़ा भरावां भरावां दा होणा है ये अंत हुण भांडा भर चुके है वह चाहते ने भांडा फुटे पर सिमरजीत सिंह मान कहता भी मैं पीसफुली जिहड़ा बहिंदा कल मैं पीसफुली गल करांगा मेरा कोई भी मेरा बंदा मेरा गुरसिख जिहड़ा भी होएगा वह कभी भी कोई नजायज़ काम ना किसी की बर्दाश्त करेगा ना कभी वो नजायज़ काम कोई करेगा पर यह है कि मोदी और इस गलते बेचेतन कि भाई ये कोई ना कोई काम जिहड़ा इहो जिहा करे कल्ला एक सिमरजीत सिंह मान अज पार्लीमेंट च गया उन्होंने टट्टियां लगे भी उन्होंने उसकी गल तो उन्होंने जवाब नहीं आ रहा इस करके उन्होंने खतरा है कि जिन्ना भाई उन्होंने मतलब है भावें पूरा मुल्क जरा तबाह हो जाए है जी तो असी अपना राज करिए पर भुल गए जोड़े राज भुजे बैठे हो बादल वर्गे कैप्टन वर्गे तू ही जिते जिते पंगा लैन लगा तेरे भी दिन थोड़े रह गए। मैं नाम है हरसिंह जी पटियाला तो असी कहना चाहते हैं भी खालसा राज जो पहला भी इस निशान साहब के थले ही जितया गया सी ये निशान साहब जिहदा आपां भारत देश आजाद कराया वह भी इस निशान साहब के थले ही आजाद होया हुण जो मर्जी कोई कही जाए हुण भी साडे जिन्ने फौजी वीर ने वो इस निशान साहब के छतरशाह हेठ ही चलते हैं वो जिनी लड़ाई लड़ते हैं इस निशान साहब के नूं अगे नाल लैके लड़ते हैं तो सारियां नूं ये सारे चाहते हैं भी खालसे राज जिवें पिछे रहा महाराजा रणजीत सिंह का तो दूजा राज जिन्ना भी खालसा राज रहा है उस तो पहला भी जिन्या खालसे ने राज किया बहुत वधिया सी ये जान के हवा बनाया गया भी जिहड़ा खालिस्तान कह दूगा वो उत्थे हिंदू पूरा सुरक्षित नहीं रहेगा दूजा नहीं रहेगा ये जान के ना जिहड़े ये दूजे कहने हो ना तुसीं भी हुण जिहड़े डिगे पए ने जिहड़े पंथ दीआं गल्लां करदे ने उन्होंने ही जान के ये मान साहब नूं भी अगे ना आ जाण इन्होंने खालिस्तान का एडा डर पाया भी खालिस्तान ये खालसा राज का नाम उन्होंने खालिस्तान देता खालिस्तान भी शुद्ध स्थान ये खालसा राज जे कह लो खालसा राज सारे चाहते हैं महाराजा रणजीत सिंह वाला सारे राज चाहते हैं पर यह खालिस्तान बना के जान के ये मान साहब ने भी कहा भी असं की पता राष्ट्रपति हिंदू नहीं बनाए बड़े साफ शब्दों दसते कि खालिस्तान अपना शुद्ध राज है। हाँ जी लेकिन डिफाइन करने कि कमी रह जाती है लोगों की गल क्लीयर नहीं हो पा रही कारण की समझ नहीं क्लीयर तो हो रही है जी क्लीयर तो हो रही है पर जान के बुझ के मीडिया जड़ा है ना उन्हों का वो मीडिया जान बुझ के ये साढ़े खालिस्तान के शब्द को यह जा अतवादी रंगत दे के जिवें कोई बहुत माड़ा शब्द होंदा है हालांकि सब नूं पता है जिन्हों दसीए भी खालस मैने शुद्ध होंदा स्थान स्थान होंदा भी शुद्ध स्थान की ये गल कर रहे हैं जिवें पिछे तुहानूं दस्सिया भी खालसा राज रणजीत सिंह वेले सी उस राज की गल कर रहे हैं तो बनाते ने उन्होंने गलत जान के हिंदुओं च
सिखां च भी पाड़ा पवे कोई ना कोई ये नाल ना चले हुण हिंदू जिहड़े भी साडे वीर ने मुसलमान ने वो साडे नाल चले ने संगरूर च तां ही साडी जित प्राप्त होई है कि उन्हां नूं समझ आ गई भी खालिस्तान कोई माड़ी गल नहीं ये तो खालसा राज की गल करते हैं ये जान के दूजे पासे लेंदे ने असीं सारे मीडिया का धन्यवाद करते हैं हुण बहुत वधिया मीडिया सारा साडा साथ दे रहा है ते उन्होंने समझाया भी है भी खालिस्तान कोई माड़ी चीज़ नहीं हैगी ये खालसा राज का ना ही है चाहे खालसा राज कह लो चाहे खालिस्तान कह लो वो सरदार सिमरनजीत सिंह मान जिहड़े मुड़ तो लैके जिन्होंने इन्नी लड़ाई भी लड़ी इन्हें केस भी चले खालिस्तान के उत्ते पवाए तो वो ना देखो हुण आजा जिहड़ी गल कहण दी उन्हां नूं मिल गए खुल।